6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। छह दिसंबर याद है वो दिन जब अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढाया गया था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर वही माहौल है और ऐसा लगने लगा है कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इन दिनों देश में ज्ञानवापी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अयोध्या का फैसला भी लोगों को याद आ रहा है। वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को मिली राहत के बाद अब 6 दिसंबर का जिक्र होने लगा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। राम मंदिर के फैसले के बाद लोगों की नजर काशी के ज्ञानवापी विवाद पर है। जब से पुरातत्व विभाग ने इस विवादित जगह पर मंदिर होने के सबूत अपनी सर्वे रिपोर्ट में दिए, तब से ही मामला और सुर्खियां बटोरने लगा। बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। 30 साल बाद मिले इस अधिकार के बाद हिंदू पक्ष ने उस तहखाने में नियमित पूजा करने का जो अधिकार मांगा था वो उसे मिल गया है और अब वहां पूजा भी शुरू कर दी गई है। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ लोगों को 6 दिसंबर की याद आ गई। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट के इस फैसले से बेहद नाखुश हैं, बल्कि नाराज हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए अपना गुस्सा भी जताया और आरोप भी लगाए। ओवैसी को यह डर है कि इस देश में एक बार फिर से 6 दिसंबर लौट सकता है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो कोर्ट ने फैसला लिया है उससे पूरे मामले को ही उसने तय कर दिया। ये सरासर गलत फैसला है। उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाए और 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है ऐसा बयान भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए जज साहब के आखिरी दिन का जिक्र किया और इस फैसले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जज साहब का आखिरी दिन था। दूसरी बात यह है कि 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया गया था। तीसरी बात कि जज ने जो फैसला किया उसने तो पूरे केस को ही तय कर दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि पहले कहा जा रहा था कि 1993 के बाद से उस विवादित स्थल पर कुछ नहीं हो रहा था। अब आपने जो हिंदू पक्ष को मस्जिद के तहखाने को दे रहे हैं, इस तरह से पूरे केस पर फैसला ही दे दिया। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रिहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था, तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं।
सर, लेकिन में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं नहीं, अब अभी उस पर सर मेरा सवाल इसी जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के लॉयर रविशंकर शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वाराणसी कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया उससे 1992 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मोदी सरकार पर भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तब तक पूजा स्थल अधिनियम पर कायम नहीं रहेंगे, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें डर है कि इस देश में 6 दिसंबर दोबारा लौट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी का ये डर जायज है? आपके दिमाग में इस खबर को लेकर जो भी ख्याल है हमारे साथ उसे साझा जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ज्ञानवापी पर जो ये फैसला आया है, इस फैसले के बाद क्या ये डर वाकई जायज है? वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।